हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पर शुरू होता है, एक्स बोरोज रुपीज 1 लाख फ्रॉम वाई एंड एग्री टू पे रुपीज 1,20,000 एज डैमेजेस इफ ही फेल्स टू पे द एंटायर सम ऑन द ड्यू डेट। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक है हमारा एक्स, दूसरा है हमारा वाई, दोनों के बीच आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसके अंदर एक्स जो है वाई से 1 लाख रुपए का उधार ले रहा है, और साथ के साथ उसी समय पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिख दिया जा रहा है कि एक्स जो है वाई को 1,20,000 रुपए के डैमेजेस पे करेगा अगर एक्स ड्यू डेट पर इस 1 लाख रुपए को वाई को वापस देने में फेल हो जाता है। दोबारा सुनो इसको, एक्स ने वाई से 1 लाख रुपए का उधार लिया और ये प्रॉमिस करा कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें ये पैसा वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें ये लिखा गया है कि अगर एक्स 2 महीने बाद यानी ड्यू डेट पर वाई को 1 लाख रुपए वापस देने में फेल हो जाता है तो उस केस में ये हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स जो है वाई को 1 लाख की बजाय 1,20,000 रुपए देगा एज डैमेजेस। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई ने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके अंदर दोनों ने मिलकर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पर ही कॉन्ट्रैक्ट में प्रीफिक्स डैमेजेस डाल दिए 1,20,000 रुपए। अब ये प्रीफिक्स डैमेजेस 1,20,000 के अंदर कितना हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस है और कितना हमारा पेनल्टी है ये बात तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आखिर रीजनेबल कंपनसेशन क्या बनता है। तो एक्स ने जो है डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट देने में, यानी 2 महीने बाद ड्यू डेट पर एक्स ने वाई को 1 लाख रुपए पे नहीं करे। तो अब इस केस में एक्स के डिफॉल्ट करते ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से एक्स जो है वाई को 1,20,000 रुपए पे करेगा एज डैमेजेस। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1,20,000 के अंदर 1 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको एक्स वापस करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सवाल आता है यहाँ पर 20,000 का, क्या ये 20,000 रुपए हमारा पेनल्टी है या फिर ये लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है? तो यहाँ पर इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। इन दिस केस वाई इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम एक्स, वाई जो है एक्स से पैसा रिकवर कर सकता है, 1 लाख रुपए तो रिकवर हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा है उसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा, द कोर्ट में डिसाइड एज रीजनेबल, कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर रीजनेबल क्या होगा। हो सकता है कि ये 20,000 रुपए इंटरेस्ट हो लेट पेमेंट का, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पेनल्टी हो, तो वो डिपेंड करेगा केस टू केस। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो कोर्ट है वो भी 1,20,000 से ज्यादा डैमेजेस अलाउ नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1,20,000 रुपए के डैमेजेस लिख दिए गए जो कि हमारी मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है। तो अब इस केस में कोर्ट 1,20,000 के डैमेजेस अलाउ कर सकता है या फिर उससे कम भी कर सकता है, लेकिन कभी भी 1,20,000 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ पर बोली है, नॉट बी मोर देन 1,20,000। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन इन कोलकाता He will pay B rupees 50,000। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज हैं, A और B, दोनों के बीच आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। A जो है हमारा एक एम्प्लॉई है और B जो है हमारा एक एम्प्लॉयर है। A जो है B के पास काम करता है, तो यहाँ पर A और B आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा जाता है कि जब तक A B के पास काम कर रहा है तब तक जो है A अलग से कहीं पर अपना कोई प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकता एज अ सर्जन इन कोलकाता, और अगर A ने ऐसा करा तो उस केस में A जो है B को 50,000 के डैमेजेस पे करेगा। तो यहाँ पर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डैमेजेस लिख दिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में 50,000 के डैमेजेस पे करे जाएंगे। तो ये 50,000 रुपए हमारे प्रीफिक्स डैमेजेस हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने जो है बाहर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, ए प्रैक्टिस एज अ सर्जन एट कोलकाता, ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो अब इस केस में बी एंटाइटल हो गया टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50,000 एज द कोर्ट कंसिडर्ड रीजनेबल। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50,000, कोर्ट जो है रीजनेबल कंपनसेशन डिसाइड करेगा लेकिन वो भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए बोरोज रुपीज 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ रुपीज 20,000 पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 4,000 विद अ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी, दोनों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए जो है बी से 10,000 का उधार ले रहा है और साथ के साथ उसी समय पर बी को एक बॉन्ड साइन करके दे रहा है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है एक रिटर्न प्रॉमिस। ए जो है बी को एक रिटर्न प्रॉमिस साइन करके दे रहा है कि मैं जो है तुम्हें इस 10,000 के बदले 20,000 रुपए वापस करूंगा, और किस तरह वापस करूंगा? 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में वापस करूंगा। 5 साल तक 4,000 की ईयरली इंस्टॉलमेंट में मैं तुम्हें 10,000 के बदले 20,000 वापस करूंगा। और ये बॉन्ड के अंदर एक कंडीशन भी लगा दी गई कि जैसे ही ए कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट करेगा, कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में फेल हो जाएगा, तो उस केस में उसी समय पर तुरंत ही सारा पैसा ड्यू हो जाएगा, द होल शैल बिकम ड्यू। अब ये क्या कहना चाहता है इसको इस टाइमलाइन से समझते हैं। तो ए ने बी से 10,000 रुपए उधार लिए 2020 में, और साथ के साथ उसी समय पर बी को एक बॉन्ड साइन करके दिया कि मैं तुम्हें इस 10,000 के बदले 20,000 रुपए वापस करूंगा 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो 2021 में पहली इंस्टॉलमेंट ए ने बी को पे करी 4,000 की, उसके बाद 2022 में दोबारा ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करी 4,000 की, तो 2 इंस्टॉलमेंट पे हो गई।
लेकिन जब 2023 आया तो 2023 में ए ने डिफॉल्ट कर दिया, 2023 में 4000 रुपए ए पे नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही ए डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, वैसे ही उसी समय पर सारा का सारा पैसा ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 8000 रुपए ए पहले ही दे चुका है, 2021 में 4000 दिए थे, 22 में 4000 दिए थे, तो 8000 रुपए तो ए पे कर चुका है। अब बैलेंस कितना बचा है, 12000 रुपए, 23 के 4000, 24 के 4000 और 25 के 4000। तो ये पूरा का पूरा 12000 रुपए हमारा ड्यू हो जाएगा 2023 में, जैसे ही डिफॉल्ट हुआ उसी समय पर सारा बैलेंस अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो 2023 में 12000 रुपए ड्यू हो गया। तो अब यहाँ पर बी ने जो है ए से 12000 रुपए मांगा, लेकिन ए ने जो है पैसा देने से मना कर दिया, तो बी ए के खिलाफ कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि 10000 के बदले 20000 रुपए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है, ये सीधे सीधे एक पेनल्टी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को 10000 का उधार दो और उससे सीधा डबल पैसा वापस लो। ये जो 20000 के अंदर 10000 रुपए है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10000 रुपए मांगा जा रहा है वो हमारा पेनल्टी है। आप 1-2000 रुपए मांग सकते हो इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन सीधा डबल पैसा मांगना तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो है 2023 में ए को बोला कि वो बी को 2000 रुपए वापस करे, ताकि सबसे पहले ए का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चले जाए। 4000 रुपए ए 21 में दे चुका था, 4000 रुपए ए 22 में दे चुका था, अब यहाँ पर 23 में ए ने जो है 2000 रुपए और दे दिए, तो 10000 रुपए तो पूरे हो गए। अब कोर्ट अगर चाहे तो यहाँ पर मार्केट रेट के हिसाब से ए को ये भी बोल सकता है कि वो 2-3000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे बी को और पे करे, जो बी ने उधार दिया है उसके बदले इंटरेस्ट भी पे करे, लेकिन 10000 रुपए एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा। दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो समझ में आ गई बात। इसी तरीके का हमारा एक और एग्जांपल है, अगला एग्जांपल देखो, ये भी सेम है ऊपर वाले की तरह। ए अंडरटेक्स टू रीपे बी अ लोन ऑफ ₹10,000 बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद अ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। तो यहाँ पर भी सेम बात बोली जा रही है, ए और बी दो पार्टीज हैं, इनके बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए ने जो है बी से 10000 का लोन लिया है और उसी समय पर ए जो है बी को एक रिटर्न प्रॉमिस साइन करके दे रहा है कि वो जो है इस 10000 रुपए को 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस करेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई, सेम वही ऊपर वाली कंडीशन, कि अगर ए किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसी समय पर सारा पैसा ड्यू हो जाएगा, द होल शैल बिकम ड्यू। तो सेम वही बात हो रही है जो ऊपर वाले एग्जांपल में थी, बस यहाँ पर एक डिफरेंस है, इस केस में कोई भी पेनल्टी की बात नहीं करी गई। ए ने बी से 10000 का उधार लिया था और ए जो है बी को 10000 ही वापस कर रहा है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी की बात नहीं है। जबकि ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर बोला गया था 10000 के बदले 20000 वापस करा जाएगा, तो यहाँ तो साफ साफ पेनल्टी थी, लेकिन इस एग्जांपल में कोई भी पेनल्टी नहीं है। अगर कल को ए किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसी समय पर सारी पेमेंट ड्यू हो जाएगी और ए को जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। This stipulation is not by way of penalty. यहाँ पर penalty वाली कोई भी condition नहीं है. And the contract may be enforced according to its terms. तो ये contract enforced हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो समझ में आ गई बात. अगला example देखो. A owes money to B, a money lender, undertakes to repay him by delivering to him 10 bags of rice on a certain date and stipulates that in the event of his not delivering the stipulated amount by the stipulated date, he shall be liable to deliver 20 bags. तो यहाँ पर दो parties हैं, A और B. A ने जो है B से कुछ पैसा उधार लिया है, अब कितना लिया है वो हमें नहीं बताया गया। बी जो है हमारा मनी लेंडर है, तो ए ने बी से पैसा उधार लिया है और उसी समय पर बी को एक रिटर्न प्रॉमिस साइन करके दिया है कि ए जो है इस पैसे के बदले बी को 10 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई करके देगा एक सर्टेन डेट पर। और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन भी लगा दी कि अगर ए स्टिपुलेटेड डेट पर 10 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई करने में फेल हो जाता है तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रीच माना जाएगा और फिर जो है ए बी को 10 बैग्स की जगह 20 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई करेगा एज अ डैमेजेस। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही डैमेजेस लिख दिए गए हैं, तो ये जो 20 बैग्स लिखे हुए हैं ये हमारा प्रीफिक्स डैमेजेस है जो कि सीधे सीधे पेनल्टी है। एक आधा बैग ज्यादा हो जाता तो समझ में भी आता, लेकिन 10 का 20 हो जाना ये हमारा पेनल्टी है। दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो यहाँ पर जो है ए बी को उतने ही बैग ऑफ राइस सप्लाई करेगा जितना कि रीजनेबल बनता है, और ये रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा, तो ये जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। बी इज ओनली एंटाइटल्ड टू रीजनेबल कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारे सेक्शन नंबर 74 के कुछ एग्जांपल हो गए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है उसको भी देख लो। अंडर सेक्शन 73 द एक्चुअल लॉस और डैमेजेस हैज टू बी प्रूव्ड, बट अंडर सेक्शन 74 द प्रूफ ऑफ एक्चुअल लॉस और डैमेजेस इज नॉट एसेंशियल। तो यहाँ पर क्या बोला ध्यान से सुनो, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 73 की। तो सेक्शन नंबर 73 में क्या लिखा था एक बार याद करो,
कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में डिफॉल्टर पार्टी जो है एग्री पार्टी को ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करेगी, और साथ के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर ही दोनों पार्टीज को पता था किसी स्पेशल लॉस के बारे में तो उस केस में स्पेशल डैमेजेस भी अलाउ हो सकते हैं। तो ये बात तो हमने सेक्शन नंबर 73 में अच्छे से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 73 को लेकर क्या बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के केस में अगर एग्री पार्टी को डैमेजेस चाहिए तो एग्री पार्टी को जो है अपना एक्चुअल लॉस प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 73 साफ साफ बोलता है कि एक्चुअल लॉस और डैमेजेस हैज टू बी प्रूव्ड। एक्चुअल लॉस और डैमेजेस एग्री पार्टी को प्रूव करने पड़ेंगे कि आखिर उसे कितने लॉस हुए हैं, उसका एक्चुअल लॉस कितना है, उसके हिसाब से ही कोर्ट डैमेजेस डिसाइड करता है। अगर एग्री पार्टी एक्चुअल लॉस प्रूव करने में फेल हो जाती है तो फिर उस केस में एग्री पार्टी को कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि सेक्शन नंबर 73 के अकॉर्डिंग एक्चुअल लॉस प्रूव करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई बात। सेक्शन नंबर 73 में कोई भी प्रीफिक्स डैमेजेस की बात नहीं थी, वहां पर तो एक्चुअल लॉस निकाला ही तब जाता था जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता था। लेकिन सेक्शन नंबर 74 के अंदर पार्टीज ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रीफिक्स डैमेजेस डिसाइड कर ली है। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 74 बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर एक्चुअल लॉस प्रूफ हो सकता है तो उस केस में एग्री पार्टी को एक्चुअल लॉस प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मान लो डिफॉल्टर पार्टी चैलेंज कर रही है एग्री पार्टी के एक्चुअल लॉस को तो उस केस में एग्री पार्टी को एक्चुअल लॉस प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एग्री पार्टी एक्चुअल लॉस प्रूफ नहीं कर पा रही, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पर एक्चुअल लॉस प्रूफ नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्रीफिक्स डैमेजेस लिखे हुए थे, तो फिर उस केस में सेक्शन नंबर 74 बोलता है हम उसी प्रीफिक्स डैमेजेस को बेस मानते हुए एग्री पार्टी को कंपनसेशन दे देंगे। अब यहाँ पर प्रीफिक्स डैमेजेस के अंदर पेनल्टी का भी ध्यान रखना होता है कि एग्री पार्टी को सिर्फ रीजनेबल डैमेजेस ही मिलेगा, लॉ कभी भी पेनल्टी अलाउ नहीं करता। तो समझ में आ रही है आपको बात। ये जो सेक्शन 74 एक्चुअल लॉस प्रूव ना करने की बात कर रहा है, ये सिर्फ तभी की बात हो रही है कि जब प्रीफिक्स डैमेजेस लिखे हुए लेकिन एक्चुअल लॉस प्रूव नहीं हो पा रहा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो सेक्शन नंबर 73 के अंदर पार्टीज ने कोई भी प्रीफिक्स डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखे थे। तो जब पार्टीज ने प्रीफिक्स डैमेजेस नहीं लिखे थे तो इसका मतलब लॉ ये मान के चलता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो उस टाइम पर पार्टीज को ये नहीं पता था कि एक्चुअल लॉस होगा कि नहीं होगा। यानी सेक्शन नंबर 73 के अंदर कई बार ऐसा भी चांस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर भी एक्चुअल लॉस ना हो। अगर एक्चुअल लॉस होना कन्फर्म ही होता तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से लिखती। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रीफिक्स डैमेजेस नहीं लिखा गया और कल को एग्री पार्टी भी ये कह दे कि मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है लेकिन कितना हुआ है ये मैं प्रूव नहीं कर पा रहा, तो फिर उस केस में कोर्ट भी कैसे डिसाइड करेगा। सेक्शन 73 के अंदर ना ही कोई प्रीफिक्स डैमेजेस है ना ही एक्चुअल लॉस प्रूफ हो पा रहा है, तो फिर यहाँ पर तो डैमेजेस निकालने का कोई भी तरीका नहीं बचता। तो इसीलिए सेक्शन 73 में बोला गया कि एग्री पार्टी को अगर लॉस हुआ है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा। जबकि सेक्शन 74 की बात करें तो सेक्शन 74 में कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर ही पार्टीज को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो कोई ना कोई नुकसान तो होना ही होना है, इसीलिए पार्टीज ने पहले ही प्रीफिक्स डैमेजेस लिख दिए थे। तो यहाँ पर कोर्ट बोलता है कि अगर आपने प्रीफिक्स डैमेजेस लिखे हैं तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर लॉस होना कन्फर्म है। अब आप अगर लॉस प्रूव नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास रीजनेबल डैमेजेस डिसाइड करने के लिए आपके प्रीफिक्स डैमेजेस है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि कितना रीजनेबल बनता है। तो समझ में आ गई बात। और इन सारी बातों के बीच में एक रूल का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लॉस नहीं हुआ तो उस केस में डैमेजेस नहीं मिलेंगे, लॉस होगा तभी डैमेजेस मिलेगा, ये तो हमारा एक बेसिक रूल है। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए सेक्शन 74 के ऊपर। अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी देख लो, ये हमारी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 74 की। सेक्शन 74 के अंदर एक एक्सेप्शन दी गई है और दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो सेक्शन 74 की हमारी ये एक एक्सेप्शन है। क्या बोला जा रहा है, व्हेन एनी पर्सन एंटर इनटू एनी बेल बॉन्ड रिकॉग्निजेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम नेचर